दोस्तों सनी देवल की घातक और घायल जैसी सुपर हिट फिल्म आपने तो जरूर देखी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि घायल मूवी की स्क्रिप्ट मिथुन चक्रवर्ती को ध्यान में रखते हुए लिखी गई थी और सबसे पहले इस फिल्म का लीड रोल मिथुन दा को या फिर हुआ था और वह इस रोल को करने के लिए तैयार भी हो गए थे लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ ये फिल्म मिथुन दा के हाथ से निकल कर सनी पाजी के पास चली गयी पूरा सच बताएंगे दोस्तों पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए हुआ कुछ ऐसा कि घायल मूवी जब मिथुंदा को ऑफर हुई उसके कुछ समय बाद धर्मेंद्र सर धर्मेशा के पास गए और बोले इस फिल्म के लीड रोल में वह सनी देओल को देखना चाहते हैं। धर्मेंद्र ने एक बार रिक्वेस्ट की और मिथुंदा उनकी बात मान भी गए क्योंकि मिथुंदा सर को अपने पिता समान मानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मिथुंदा के खराब दौर में धर्मेंद्र सर ने उनकी मदद करी थी